स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट उत्तराखंड बोर्ड के बोल रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड में क्लास टेंथ और ट्वेल्थ को मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्लास टेंथ और ट्वेल्थ का मार्किंग सिस्टम कैसा रहेगा। बेसिकली सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड, अलग अलग बोर्ड ने अपने मार्किंग स्कीम के बारे में बता दिया, मार्किंग फार्मूला बता दिया, ठीक है ना। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड का था 30-30-40, यूपी बोर्ड का है 50-40-10। तो अब बात ये आती है कि हम उत्तराखंड बोर्ड का फार्मूला कैसे होगा। पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, मैं आपको विद एग्जांपल अच्छे से समझाते हुए बताऊंगा कि क्या रहेगा। तो सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान में ये रखना है कि इस साल क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ में लाखों की संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया। लगभग क्लास टेंथ में 1.48 लाख स्टूडेंट जो है रजिस्टर्ड थे, जबकि क्लास ट्वेल्थ में 1,23,000 स्टूडेंट्स जो है रजिस्टर्ड थे, ठीक है ना। अब क्योंकि किसी का भी पेपर नहीं हुआ, क्लास टेंथ का पहले ही जो है कैंसिल हो गया था, फिर जाके जून में क्लास ट्वेल्थ का भी पेपर कैंसिल करा दिया गया। अब ये बात किया गया उनको प्रीवियस एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से जो है पास कराया जाएगा। दैट मीन्स खुशखबरी ये है कि इस साल पॉसिबल है कि 100% रिजल्ट रहेगा, मतलब 100% स्टूडेंट एग्जाम में पास हो जाएंगे। तो खुशी मनाइए बेटा, आप लोग बिना पेपर देके पास हो गए। अब बात होती है कि पास तो हो जाएंगे तो मार्क्स कैसे मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ की मार्क्स में, क्लास टेंथ जैसा कि जितना नोटिफिकेशन आज तक आया हुआ है, आज स्कूलों से जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मांगे गए जिन्होंने मासिक परीक्षा, छमाही परीक्षा, प्री बोर्ड एग्जाम दिए हुए हैं, उनका जो है नंबर मांगा गया है। एक्चुअल में वो नंबर मांगा गया इसलिए ताकि वो लोग क्राइटेरिया सेट कर सके कि किस हिसाब से परसेंटेज दिया जाए, जो वेटेज दिया जाए। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड ने दिया है कि क्लास टेंथ का 30% मार्क्स लिया जाएगा, क्लास 11 का 30% लिया जाएगा, क्लास 12 के प्री बोर्ड का 40% लिया जाएगा। तो उत्तराखंड बोर्ड वाले अभी तय करने वाले हैं कि समिति बनाए कि समिति में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मांगे गए। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने एक भी एग्जाम नहीं दिया है, वो वेट कर रहे थे फाइनल एग्जाम का, बेसिकली प्राइवेट स्टूडेंट जो प्राइवेट के नाम से एडमिशन लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके लिए मैं बता दूं कि क्लास टेंथ का जो रिजल्ट बनेगा, जो मार्क्स दिए जाएंगे, वो क्लास नाइन्थ, ठीक है ना, क्लास नाइन्थ के फाइनल एग्जाम के बेसिस पर, और साथ ही साथ क्लास टेंथ में जो आपका मंथली टेस्ट हुआ था या फिर जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था या फिर जो प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था, प्लस आपके प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो गए थे। प्रैक्टिकल भी बहुत बड़ा बेस रहेगा नंबर मार्क्स दिया जाने। अगर मान लीजिए इसमें से किसी में भी आपने पार्टिसिपेट किया है तो उसी अकॉर्डिंग आपके मार्क्स दिए जाएंगे, और किसी ने अगर इसमें से कोई भी नहीं दिया है तो लगभग स्कूल वाले प्री बोर्ड एग्जाम करवाए हैं या फिर किसी तरह से वो मैनेज कर रहे हैं, तो आपको मार्क्स उसी हिसाब से मिल जाएगा। तो ये मान के चलिए कि आप पास हो जाएंगे, लेकिन नंबर कितना मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि आप क्लास नाइन्थ की एग्जाम में या मंथली हाफ ईयरली एग्जाम में कितने मार्क्स लेकर आए हैं उस बेस पर। अब हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ की, जहां पर 1.23 लाख स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनका भी रिजल्ट बेसिकली कितना जाना है, 100% जाना है, लेकिन यहां पर थोड़े डाउट्स है कि शायद 100% ना जाए, ठीक है ना, 99.9 भी हो सकता है, स्टूडेंट फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ना ही उन्होंने 11th का पेपर दिया है ना ही उन्होंने 12th का पेपर दिया हुआ किसी भी तरीके का, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट वो फेल हो सकते हैं जिन्होंने एक भी पेपर अटेंड नहीं किया है। अब बात करेंगे तो क्लास 12th में आपको मार्क्स कैसे मिलेगा। जैसा कि उत्तराखंड बोर्ड हमेशा सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न को फॉलो करती है, ठीक है ना, चाहे बुक्स हो, चाहे एग्जाम क्राइटेरिया हो, चाहे एग्जाम कराने का डेट हो, जैसा भी हो। अब जब सीबीएसई का फॉर्मूला आया है 30, 30 एंड 40, तो मे भी पॉसिबल है इसी तरह का कुछ क्राइटेरिया यहां पर भी रहे, लेकिन जितना की नोटिफिकेशन आज का मैं देख रहा हूं, यहां पर क्लास 12 के जो पास होने का रहेगा आपका क्लास 11th फाइनल एग्जाम, क्लास 12th यहां पर भी आपका मंथली एग्जाम या फिर हाफ ईयरली एग्जाम या फिर
प्री बोर्ड एग्जाम और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका प्रैक्टिकल हुआ है, प्रैक्टिकल भी आपके मार्क्स में बहुत ज्यादा जो है वाइज करेगा कि आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए प्रैक्टिकल बेस में। और साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर आपके क्लास टेंथ के मार्क्स भी जुड़ सकते हैं। देन जो होनहार स्टूडेंट है तो क्लास टेंथ में भी अच्छे मार्क्स आए होंगे, लेकिन थोड़ा सा उनके लिए यहाँ पर माइंड सेट होने की जरूरत है, जो बहुत ही ज्यादा इस बात की जरूरत है कि क्लास ट्वेल्थ में बहुत अच्छा कर लेंगे, तो उन्होंने ना क्लास 11 में सही से पढ़ा है ना प्री बोर्ड एग्जाम दिया, डायरेक्ट एग्जाम देने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा हो सकता है यहाँ पर थोड़ा घाटा हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर बोर्ड ने ये एक तरीका रखा है कि आप अपने एग्जाम के मार्क्स से अगर कुछ नहीं है तो आप प्री एग्जाम दे सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले जल्दी ही जो है एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर होते ही जो है वो लोग अपना साइट ओपन कर देंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ओपी बोर्ड ने कहा है कि आप अगर अपने रिजल्ट संतुष्ट नहीं है तो अगले साल 2022 के एग्जाम में बैठ सकते हैं। उत्तराखंड बोर्ड वाले, यहाँ पर स्क्रूटनी का पेपर बेसिकली होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस साल जो है कुछ इसी तरह का ये लोग भी कर सकते हैं ताकि कुछ जो स्टूडेंट खुश नहीं है वो री एग्जाम दे सके। थैंक यू।